नमस्कार, मैं हूं उत्तम मुखर्जी, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने जा रहे हैं पंडित ओमकारनाथ ठाकुर के विषय में। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, इनके बारे में आप ये जानते हैं कि ये शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक थे, या सुप्रसिद्ध गायक कहें तो इनके लिए अतिशयोक्ति नहीं। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, इनका पूरा नाम ओमकारनाथ ठाकुर ही था। इनका जन्म 24 जून 1897 को हुआ था। जन्मभूमि इनकी जहाज नाम से एक जगह है, बड़ौदा राज्य में। इनका कर्म क्षेत्र था हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक थे। पुरस्कार उपाधि के बारे में बात करें तो संगीत नाट्य अकादमी के द्वारा इनको पुरस्कार मिला था। संगीत मार्तंड की उपाधि इनके पास थी। संगीत महामहोदय की उपाधि इनके पास थी। पद्मश्री की उपाधि इनके पास थी। नागरिकता भारतीय ही थी। इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु 29 दिसंबर 1967, याद रखना 1967। इनका मृत्यु स्थान भारत में ही हुई इनकी मृत्यु। इनके पिता का नाम यानी अभिभावक का नाम था गौरी शंकर ठाकुर। इनकी पत्नी का नाम इंदिरा देवी। पंडित जी के प्रमुख गीत थे मैंने ही माखन खायो, मैया मोरी और वंदे मातरम। अब इनके विषय में आपको एक जानकारी और दे देता हूँ। सन 1934 में पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी ने मुंबई में संगीत निकेतन की स्थापना की थी। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट डेट है 1934। किसकी स्थापना की थी? संगीत निकेतन की। अब इनके बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार से जानते हैं। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, जन्म 24 जून 1897, मृत्यु इनकी हुई थी 29 दिसंबर 1967। भारत के प्रसिद्ध संगीतज्ञ एवं हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। इनका संबंध ग्वालियर घराने से था। याद रखिएगा, ग्वालियर घराने से था। ओमकारनाथ के दादा महाशंकर जी और उनके पिता गौरी शंकर जी नाना साहब पेशवा की सेना में वीर योद्धा थे। एक बार उनके पिता का संपर्क अलोनी बाबा नामक एक विख्यात योगी से हुआ। इन महात्मा से दीक्षा लेने के बाद गौरी शंकर के परिवार की दिशा ही बदल गई। वे प्रणव साधना में अर्थात ओमकार के ध्यान में रहने लगे। तभी 24 जून 1897 को उनकी चौथी संतान का जन्म हुआ। ओमकार भक्त पिता ने पुत्र का नाम ओमकारनाथ रखा। इससे ये पता लगता है कि ओमकारनाथ ठाकुर जी का नाम किस प्रकार पड़ा। उसका रीजन ये था कि उनके पिता ओमकार के भक्त थे, इसलिए उन्होंने उनका नाम ओमकारनाथ रखा। संगीत शिक्षा, ओमकारनाथ जी की संगीत शिक्षा के बारे में हम लोग बात करते हैं। जन्म के कुछ समय बाद ही यह परिवार बड़ौदा राज्य के जहाज ग्राम से नर्मदा तट पर बड़ौच नामक स्थान पर आकर बस गया। ओमकार जी का लालन पालन और प्राथमिक शिक्षा भी यहीं संपन्न हुई। इनका बचपन अभावों में बीता, यानी गरीबी में बीता। यहाँ तक कि किशोरावस्था में ओमकारनाथ जी को अपने पिता और परिवार के सदस्यों के भरण पोषण के लिए एक मिल में नौकरी करनी पड़ी। ये एक मिल में नौकरी करते थे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। ओमकारनाथ जी की आयु जब 14 वर्ष की थी तभी उनके पिता का देहांत हो गया, यानी स्वर्गवास हो गया। उनके जीवन में एक निर्णायक मोड़ तब आया जब भड़ोच के एक संगीत प्रेमी सेठ ने किशोर ओमकार की प्रतिभा को पहचाना और उनके बड़े भाई को बुलाकर संगीत शिक्षा के लिए मुंबई के विष्णु दिगंबर संगीत महाविद्यालय भेजने को कहा। पंडित विष्णु दिगंबर पालुस्कर के मार्गदर्शन में उनकी शिक्षा आरंभ हुई। ओमकारनाथ जी ने किससे संगीत शिक्षा ली? वीडी पालुस्कर, यानी विष्णु दिगंबर पालुस्कर जी से। विष्णु दिगंबर संगीत महाविद्यालय मुंबई में प्रवेश लेने के बाद ओमकार जी ने वहां के 5 वर्ष के पाठ्यक्रम को 3 वर्ष में ही पूरा कर लिया और इसके बाद गुरुजी के चरणों में बैठकर गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत संगीत की गहन शिक्षा अर्जित की। 20 वर्ष की आयु में ही वे इतने पारंगत हो गए थे कि उन्हें लाहौर के गंधर्व संगीत विद्यालय का प्राचार्य नियुक्त कर दिया गया। 1934 में उन्होंने मुंबई में संगीत निकेतन की स्थापना की। 1940 में महामना मदन मोहन मालवीय उन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत संकाय के
प्रमुख के रूप में बुलाना चाहते थे, किंतु अर्थाभाव के कारण बुला ना सके। अर्थाभाव का मतलब क्या है? पैसे की दिक्कत के कारण उन्हें बुला नहीं सके। बाद में विश्वविद्यालय के एक दीक्षांत समारोह में शामिल होने जब पंडित जी आए तो उन्हें वहां का वातावरण इतना अच्छा लगा कि वे काशी में ही बस गए। 1950 में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गंधर्व महाविद्यालय के प्रधानाचार्य का पदभार ग्रहण किया और 1957 में सेवानिवृत्त होने तक वहीं रहे। 1950 से 1957। फिरोज दस्तूर, जितेन घोष दस्तीदार, पी एन बरवे, एन राजम, राजा भाऊ, सोन टके, सुभद्रा कुलश्रेष्ठ, अतुल देसाई, नलिनी गजेंद्र गढ़कर, प्रेमलता शर्मा, यशवंत राय पुरोहित, बलवंत राय भट्ट, शिव कुमार शुक्ला, कनक राय त्रिवेदी आदि अनेक प्रतिभावान कलाकार पंडित ओमकार नाथ ठाकुर की छत्र छाया में प्रगति करते गए। पंडित जी का विवाह। विवाह कब हुआ? 1922 में सूरत की इंदिरा देवी से उनका विवाह हुआ। उसके बाद वे नेपाल गए, जहां महाराज चंद्र शमशेर जंग बहादुर के समक्ष उनको गायन प्रस्तुत करने का अवसर मिला। महाराज ने उन्हें भरपूर सम्मान, भेंट, वस्तुएं तथा धन तो दिया ही, साथ ही दरबार में गायक के रूप नियुक्ति देने का भी प्रस्ताव रखा, परंतु ओमकार नाथ जी ने दरबारी गायक बनना स्वीकार नहीं किया। वे उस समय इटली, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड और अफगानिस्तान भी गए। रूस जाते समय उन्हें अपनी पत्नी के अचानक निधन का समाचार मिला तो वे वापस लौट आए। बहुत लोगों के कहने के बावजूद भी ओमकार नाथ ठाकुर ने पत्नी के निधन के बाद पुनर्विवाह नहीं किया और एकांकी जीवन बिताने लगे। उनके शिष्य ही उनके लिए पुत्र पुत्री समान हो गए थे। फिर उन्होंने मुंबई में संगीत निकेतन की स्थापना की। प्रभावशाली गायन। पंडित जी का गायन कितना प्रभावशाली था उसके बारे में जानते हैं। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी का जितना प्रभावशाली व्यक्तित्व था उतना ही असरदार उनका संगीत भी था। एक बार महात्मा गांधी जी ने उनका गायन सुनकर टिप्पणी की थी कि पंडित जी अपनी मात्र एक रचना से जन समूह को इतना प्रभावित कर सकते हैं जितना मैं अपने अनेक भाषणों से भी नहीं कर सकता। उन्होंने एक बार सर जगदीश चंद्र बसु की प्रयोगशाला में पेड़ पौधों पर संगीत के स्वरों का प्रभाव विषय पर अभिनव और सफल प्रयोग किया था। जब वे सूरदास का पद मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी गाते थे तो पूरे श्रोता समुदाय की आंखें आंसुओं से भीग जाती थी। इस पद को गाते समय पंडित जी साहित्य के सभी रसों से साक्षात्कार कराते थे। कालजयी रचना। कालजयी रचना मतलब जो चिरोकाल तक याद रखी जाए, जिसने काल पे जय प्राप्त कर ली हो उसे कालजयी रचना कहते हैं, मतलब कि जिसे भूल नहीं सकते। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर की कालजयी रचनाओं में से एक महत्वपूर्ण रचना है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की यह अमर रचना स्वतंत्र भारत के प्रथम सूर्योदय पर पंडित जी के स्वरों से अलंकृत होकर रेडियो पर प्रसारित की गई थी। आगे चलकर वंदे मातरम गीत के आरंभिक दो अंतरों को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत के समकक्ष मान्यता दी थी। वंदे मातरम का गायन 15 अगस्त 1947 को प्रातः 6:30 बजे आकाशवाणी से पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का राग देश में निबद्ध वंदे मातरम के गायन का सजीव प्रसारण हुआ, यानी लाइव टेलीकास्ट हुआ। आज़ादी की सुहानी सुबह में देशवासियों के कानों में राष्ट्रभक्ति का मंत्र फूंकने में वंदे मातरम की भूमिका अविस्मरणीय थी। ओमकार नाथ जी ने पूरा गीत स्टूडियो में खड़े होकर गाया, अर्थात उन्होंने इसे राष्ट्रीय गीत के तौर पर पूरा सम्मान दिया। इस प्रसारण का पूरा श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का यह गीत दी ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड संख्या ST0487102 में आज भी मौजूद है। पंडित जी के सम्मान में डाक टिकट जारी। 24 फरवरी 1950 को संविधान सभा ने निर्णय लिया
कि स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम गीत का उल्लेखनीय भूमिका को देखते हुए इस गीत के प्रथम दो अंतरों को जनगण मन के समकक्ष मान्यता दी जाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा का यह निर्णय सुनाया। वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समकक्ष मान्यता मिल जाने पर अनेक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसरों पर वंदे मातरम गीत को स्थान मिला। आज भी आकाशवाणी के सभी केंद्रों का प्रसारण वंदे मातरम से ही होता है। आज भी कई सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्थाओं में वंदे मातरम गीत का पूरा पूरा गायन किया जाता है। सम्मान और पुरस्कार, पंडित जी को कौन कौन से सम्मान मिले, कौन कौन से पुरस्कार मिले, इसके बारे में हम लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी रिकॉल कर लेते हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत मारतंड पुरस्कार, संगीत महामहोदय और पद्मश्री की उपाधियों से पंडित जी को नवाजा गया। अनगिनत पुरस्कारों तथा सम्मानों से विभूषित पंडित ओमकार नाथ ठाकुर एक अभिनय कुशल गायक थे। वे सम्मोहित कर लेते थे अपने श्रोताओं को। पक्षाघात तथा अन्य बीमारियों से जूझते हुए पंडित ओमकार नाथ ठाकुर 19 दिसंबर 1967 को इस नश्वर संसार को छोड़ गए, परंतु उनके गायन के अनगिनत रिकॉर्ड और टेप आज भी लाखों संगीत प्रेमियों के हृदय में उन्हें जीवित रखे हुए हैं।